ज्यादा गेम खेलने से क्या होता है, कैसे आप सिर्फ एसी में बैठ के अपने वजन को कम कर सकते हो, और कैसे ये तरबूज का पेड़ आम जैसे तरबूज देता है, और कुल्फी में इस टाइप के होल क्यों होते हैं। ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, जिस पाइनएप्पल को हम मिनटों में खा लेते हैं उसे उगने में असल में 3-4 साल लगते हैं, यानी कि एक बार उसका पौधा पूरी तरीके से उग जाता है तो उसके बाद पाइनएप्पल को उगने में 3 साल लगते हैं, और कई बार कंडीशन सही नहीं है तो फिर पाइनएप्पल को उगने में 7 या 8 साल भी सकते हैं। नंबर 21, महाराष्ट्र के एक स्कूल के हिंदी बुक के 7th चैप्टर में महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ के ऊपर लिखा गया है कि वो कैसे सक्सेसफुल है, उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स कैसे रहे, और ये सब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है। वाओ। नंबर 20, अगर आपको किसी चीज की एलर्जी है तो फिर आप सिर्फ हंस के उस एलर्जी को कम कर सकते हो। ये थोड़ा अजीब जरूर है लेकिन ये काफी ज्यादा काम करता है, क्योंकि हमें एलर्जी बॉडी टाइप या फिर माइंड की वजह से होती है, इसलिए कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। नंबर 19, पूरी दुनिया में 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 5 घंटे की नींद से भी अपने सभी काम नॉर्मली कर सकते हैं और पूरे दिन बिना कॉफी या फिर एक झपकी के बिता सकते हैं। वो बस 5 घंटे की एक लगातार नींद लेते हैं और उसके बाद इन्हें नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन लोगों को स्लीपलेस इलाइट कहा जाता है। नंबर 18, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी जब मैच देखने गए थे तब वो ऋषभ पंत का मास्क पहन कर गए थे, और जब भी उनको पता चला तो ऋषभ पंत बेहद खुश हुए, क्योंकि ऋषभ पंत के लिए सबसे बड़े आइडल महेंद्र सिंह धोनी है। अब आप सोचिए ये मोमेंट कितना कमाल का होगा जब आपके आइडल आपके फैन बन जाते हैं। नंबर 17, 1960 से पहले डिज्नीलैंड में कोई भी लंबे बाल वाला आदमी नहीं जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि लोगों को ये काफी गलत लगा और इस रूल को हटा दिया। इस रूल को ढकने के पीछे कोई खास वजह नहीं थी, और कोई वजह थी भी तो उसको डिज्नीलैंड ने नहीं बताया। नंबर 16, तेलंगाना का एक गाँव है जहाँ पर रोज सुबह 8:30 बजे 52 सेकंड के लिए टाइम रुक जाता है, चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, वहाँ पर सब लोग बिल्कुल सीधा खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम नेशनल एंथम बजाया जाता है। तेलंगाना के नालगोंडा सिटी में ये रोज किया जाता है और पिछले कई सालों से किया जा रहा है, और चाहे लोग कुछ भी क्यों ना कर रहे हो वो सब कुछ छोड़ के नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 15, ये ट्रिक से आप एसी चला के अपना वेट कम कर सकते हो। लोगों को फैट बर्न करना होता है तो उन लोगों को हमेशा ठंडे रूम में सोना चाहिए, अगर हो सके तो पतली चादर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी और इससे आप थोड़े बहुत पतले हो जाएंगे, इसलिए ठंडे रूम में सोना काफी फायदेमंद है। नंबर 14, ये फिश अपनी पूरी बॉडी से खाने को टेस्ट करती है। कैटफिश की जो पूरी बॉडी होती है उस पर टेस्ट ग्लैंड मौजूद होते हैं, और ये भी एक वजह है कि कैटफिश की जो त्वचा होती है वो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होती है, जिससे कि उनके पूरे शरीर पर थूक लगा हो। नंबर 13, आने वाले 5 सालों में पेट्रोल बंद होने वाला है। इंडिया के जो रोड मिनिस्टर है नितिन जी, उनका मानना है कि आगे आने वाले 5 साल के बाद इंडिया से पेट्रोल पूरी तरीके से हट जाएगा। आपकी जो कार या बाइक है वो पूरी इलेक्ट्रिक होगी या फिर इथेनॉल फ्यूल पर चलेगी, अगर ये नहीं तो फिर CNG और LPG का इस्तेमाल किया जाएगा, और भारत से पेट्रोल को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की जाएगी। नंबर 12, साउथ कोरिया के जो लोग हैं वो नॉर्थ कोरिया के लोगों से 4 सेंटीमीटर लंबे हैं, क्योंकि हर एक देश में अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है और वहाँ पर लोगों का रहने का तरीका भी अलग होता है, इसके बावजूद भी साउथ कोरिया के लोग वो नॉर्थ कोरिया के लोगों से 4 सेंटीमीटर लंबे हैं। नंबर 11, इस मूवी में रियल स्केलेटन का यूज किया गया था। पोल्टरजिस्ट नाम की एक हॉरर मूवी में ऐसा हुआ था। इस मूवी का बजट काफी कम था और उस वक्त आर्टिफिशियल स्केलेटन काफी महंगा पड़ता था, पर वही रियल स्केलेटन काफी सस्ता था, तो इन्होंने ग्रेव को खोदकर अंदर से स्केलेटन निकाल लिया। ये मूवी काफी हिट भी रही थी, लेकिन कई लोगों का कहना है कि इनको श्राप लग गया था और इस मूवी में काम करने वाले 5 इम्पोर्टेंट लोगों की इसके बाद मौत हो गई थी। नंबर 10, आजकल सब लोग पैसे कमाना चाहते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और क्रिप्टो में आए क्रैश से सब लोग परेशान है। ऐसे में हम पैसों के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ लोग जानते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाए, और वो है लाइट फाइनेंस ब्रोकर, जो कि मार्केट में 17 साल से काम कर रहा है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, खासकर उन्हें जो एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं। लाइट फाइनेंस में सोशल ट्रेड के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ये काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना है, इसके बाद ट्रेडिंग सेक्शन पर क्लिक करना है। इसमें आप सभी ट्रेडर का लॉस और प्रॉफिट देख सकते हो, और आप सर्च करके सबसे सफल ट्रेडर को मैसेज करके उसका ट्रेड स्टाइल कॉपी करके एक सफल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ऐसा करके लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट कमा सकते हो। लाइट फाइनेंस सभी इंडियन के लिए बोनस देता है। इसमें आप इंटरनेशनल कंपनी जैसे एप्पल, मेटा, ट्विटर में ट्रेड कर सकते हो, तो US के स्टॉक्स ट्रेड करो और एक्साइटिंग प्राइस जीतो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और डाउनलोड करो। और जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में कैपिटल रिस्क पर होता है, तो अच्छी खासी नॉलेज गेन करो और तभी आप अपने पैसे लगाना। नंबर 10, अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 से 30,000 के बीच है तो आप इंडिया के 90% लोगों से ज्यादा अमीर हो, और अगर आपकी इनकम 20,000 या 15,000 भी है फिर भी आप इंडिया के 75% लोगों
करोड़ों से ज्यादा अमीर हो। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान कम कमाता है, बल्कि जब सबका एवरेज निकाला जाता है तो ये कम आता है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है और जिन लोगों के पास जॉब है उनको भी ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते। ये काफी फनी है, हम 4.6 मिलियन दूर मौजूद गैलेक्सीज और प्लैनेट का इतना ज्यादा क्लियर फोटो ले सकते हैं, लेकिन वही जब हमारे ही बिल्डिंग में या फिर कोई लोकेलिटी में चोरी होती है और सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो उसमें चोर का चेहरा कुछ इस तरीके से दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कि सीसीटीवी कैमरा ने नशा करके ये रिकॉर्ड किया हो। नंबर 8, अब तक का खेला गया जो सबसे लंबा पोकर गेम था वो 8 सालों तक चला था। वो हर दिन इस गेम को हमेशा कंटिन्यू में रख के जाते थे और कई बार तो पूरा दिन इस गेम को कंप्लीट करने में बिता देते थे, लेकिन ये गेम कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा था और आखिरकार 8 सालों के बाद इस गेम को एक विनर मिला। नंबर 7, बचपन में टॉम एंड जेरी शो हम सब ने देखा है, लेकिन तब हमें जेरी काफी पसंद आता था, लेकिन जब हम समय के साथ साथ बड़े हुए तो आज हमें पता चलता है कि टॉम जो है वो काफी ज्यादा इनोसेंट था और उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हमारा सोचने का नजरिया समय के साथ काफी बदल जाता है। हम ऐसे प्रॉब्लम्स को देखने लगते हैं जो कि पहले हमारे लिए कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। नंबर 6, इस फोटो को देखिए, ये एक बेबी बार्न आउल का है जो भाग रहा था। कई बार ये उड़ने से पहले या लैंडिंग करते वक्त आउल को रन अप या फिर रन डाउन लेना पड़ता है और उसी एक्यूरेट टाइम पर ये फोटो खींचा गया था और ये काफी कमाल का लगता है। नंबर 5, जो यूरेनस प्लैनेट है उसे 1781 में डिस्कवर किया गया था, पर वही हमारी धरती पर मौजूद अंटार्कटिका को ढूंढने में करीब 40 साल लग गए थे और अंटार्कटिका को पहली बार 1820 में ढूंढा गया था। शायद तब के लोग सिर्फ प्लैनेट डिस्कवर करने में बिजी हो गए थे। नंबर 4, इलॉन मस्क ने हाल ही में बताया था कि अब टेस्ला की कार में ब्लूटूथ होगा जिसकी मदद से एक टेस्ला ड्राइवर दूसरे टेस्ला ड्राइवर से बात कर सकता है और फिर दोनों आपस में बात कर सकते हैं और काफी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूसरे कार को रोक कर शीशा नीचे करके उनसे पूछने में जो टाइम वेस्ट होता है उसे बचाया जा सके, लेकिन इंडिया में इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम तो हॉर्न की मदद से कम्युनिकेट कर लेते हैं। नंबर 3, इस माइंड ब्लोइंग फोटो को देखिए, ये जो बुलेट है ये पानी के बीचों बीच से कट करके जा रही थी और ये देखने में काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन ये काफी कमाल का भी है। नंबर 2, ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने से क्या होता है? अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें खराब हो जाएंगी तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन फोन आंखों को उतना नुकसान नहीं करता जितना वो हमारे दिमाग को नुकसान देता है। फोन का इस्तेमाल करने से लोगों का कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से चला जाता है, क्योंकि फोन में लगातार कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग आता रहता है और इसी वजह से अब लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। उसी के साथ अब लोग बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है, उनको सब चीजें तुरंत चाहिए। अगर वीडियो कुछ सेकंड लेट लोड होता है तो लोग उसे कट कर देते हैं और ये चीज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान करती है। और रही बात ज्यादा गेम खेलने से क्या होगा, अगर हम बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं जैसे अगर हम दिन भर उसी में रहेंगे तो हमें हाइपर अराउजल हो सकता है, मतलब कि हमें कुछ आम कामों में दिक्कत हो सकती है जैसे कि हम किसी भी चीज पर ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाएंगे, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हम अपने फ्रस्ट्रेशन को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें एक लिमिट में ही गेम्स खेलना चाहिए। नंबर 1, आपके घर पर भी ऐसी चेयर जरूर होगी और उस पर बैठते वक्त आपने भी एक ना एक बार सोचा होगा कि आखिर चेयर्स में कुछ इस तरीके के होल क्यों होते हैं। आपके पास प्लास्टिक की चेयर हो या फिर स्टील की, सब में इस तरीके के होल दिए जाते हैं, तो उसका काम क्या होता है? अगर आपको लगता है कि ये डिजाइन के लिए है तो आप गलत हो, ये असल में वेंटिलेशन का काम करते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक चेयर पर बैठता है तो उसके पीठ पर पसीना आ जाता है और इससे आगे जाकर खुजली और घमौरियां आ सकती है, इसी वजह से वेंटिलेशन दिया जाता है ताकि पसीना कम हो, और अगर पसीना होता भी है तो वो हवा की वजह से सूख जाता है। अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आप हमारी पिछली वाली अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।